नमस्कार। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पंचायत आज तक लगातार उस जगह से आप देख रहे हैं जहां पर भक्तों का जमावड़ा हर साल लगा रहता है महादेव के आशीर्वाद के लिए। देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 तारीख को 13 दिसंबर को जिस क्रूज पर मौजूद रहकर मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक की थी, उसी क्रूज पर इस वक्त मेरी मौजूदगी और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद चित्रा जी, पंचायत आज तक को भी धन्यवाद है क्योंकि मैं 13 दिसंबर को इसी क्रूज पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ था जी। और आज 10 दिन के बाद फिर मैं इसी क्रूज पर बैठ करके आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप क्रूज पर भी थे, आप बुलेट पर भी थे, फिर आप क्रूज पर आ गए हैं। माँ गंगा आपको भी बार बार बुला रही है यहाँ पर। देखिए, माँ गंगा की कृपा है कि उनकी गोद में बैठने का, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि हम सब माँ गंगा के भक्त हैं, माँ गंगा के सेवक हैं और माँ गंगा की कृपा सदा से हम सब पर बनी हुई है, व्यक्ति के नाते भी, पार्टी के नाते भी और प्रदेश के नाते भी। क्योंकि माँ गंगा की एक जैसी कृपा हुई है प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर, ऐसा स्वरूप आज से कोई 25-30 साल पहले देखने को मिलता था। काशी विश्वनाथ को आगे रखकर, इस बनारस को आगे रखकर आप एक मॉडल के तौर पर देश भर में, प्रदेश भर में प्रचारित कर रहे हैं कि यही बीजेपी का विकास मॉडल है। विकास मॉडल ये चलेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, विकास का मॉडल तो जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से चल रहा है, गुजरात मॉडल जिसको लोग बोलने लगे थे। विकास की राजनीति, विकास पर चुनाव जो करने का काम हुआ है वह गुजरात के बाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अधिकृत रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बाद में बनाए गए, लेकिन माँ गंगा की कृपा से देशवासियों ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री पहले चुन लिया था। हम गुजरते हुए चल रहे हैं, अलग अलग घाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ सफाई, स्वच्छता जिसका आप दावा कर रहे हैं वो तो पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने बालू खनन के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर विपक्ष की ओर से। नहीं देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, उनको दिव्यता नहीं दिखेगी, भव्यता नहीं दिखेगी, स्वच्छता नहीं दिखेगी, क्योंकि दृष्टि दोष जब होता है किसी को तो उसको वह चीज दिखेगी जो नहीं होता है। इस समय माफिया, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वह खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, उन माफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करती है। कहीं कोई ऐसी शिकायत होती है तो उसमें हमारे यहाँ कार्रवाई में देरी नहीं लगती है, और किसी भी हालत में काशी सहित उत्तर प्रदेश से होकर के चाहे गंगा मैया का कोई भी घाट हो, चाहे यमुना मैया का कोई घाट हो, चाहे पवित्र नदियां बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, उसका कोई घाट हो, एक उसकी व्यवस्था है कि कैसे खनन कर सकते हैं, कैसे वह बालू निकाल सकते हैं, कैसे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन कोई नियम तोड़ करके, कानून तोड़ करके सोचे कि हम खनन करेंगे और गंगा मैया की धारा को बाधित करेंगे, यह संभव नहीं है। वह युग चला गया, वो कलयुग था, समाप्त हो गया। गुजरात मॉडल, उसके बाद काशी मॉडल, एक एक मॉडल देश के सामने रख रही है बीजेपी, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 दिनों में अगर 10 बार उत्तर प्रदेश आते हैं, ज्यादातर पूर्वांचल आते हैं, तो विपक्षी नेताओं की ओर से पूछा जाता है कि सब ठीक है ना बीजेपी में? बीजेपी में इतना ज्यादा दौरे क्यों लग गया प्रधानमंत्री? बीजेपी में इतना ठीक है कि उनको बार बार पूछना पड़ रहा है, अन्यथा वो ये कहते कि हमारा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी के लाडले यानी सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, प्रदेशवासी प्रसन्न हो रहे हैं, वैसे वह भी प्रसन्न होते, क्योंकि उनको प्रसन्नता न आज है, न कल है, न कभी होने वाली है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिन आरोपों को लगाने से कोई कीचड़ में पत्थर फेंकेगा तो निश्चित तौर से वह कीचड़ उसके ऊपर ही पड़ने का काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर जो सैलाब उमड़ रहा है, जो समर्थन देखने को मिल रहा है, वह समर्थन देख करके उनकी छाती फटती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मुख्यमंत्री के लिए कि योगी बहुत उपयोगी। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 19 मार्च 2017 को शपथ लिया है, तब से लेकर के अगर आज मैं खड़ा हूं 24 दिसंबर 2021 में, तो आप महसूस करेंगे कि ये 15 साल सपा बसपा के जो बीते हैं, उन 15 साल में हमारा यह 5 साल से भी कम का समय उनके ऊपर बहुत भारी है, और इसलिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। उस अच्छे काम का संदेश कितना शौर्य इलेक्शन में? नहीं, हम सब एक टीम है और एक टीम के रूप में सब लोग काम करते हैं, उसमें आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हैं,
देश के नेता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय जेपी नड्डा जी करते हैं नेतृत्व, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नेतृत्व करते हैं, हम सब उस टीम का हिस्सा हैं। और सर्वोच्च नेता, सर्वप्रिय नेता, जिनकी एक आवाज पर देश कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी वर्सेज अखिलेश को चुनाव मैदान में, मतलब इस तरह से वो चुनावी मैदान में जाना चाहती है कि हमारे पास तो देखिए नरेंद्र मोदी हैं, बाकी नेताओं को पीछे करके प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ यहाँ पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी से श्री अखिलेश यादव जी की तुलना करेंगी तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, अखिलेश यादव के सामने आप इतना बड़ा चेहरा हमारे पास आप बताना चाहते हैं कि देखिए अखिलेश जी तो कहीं है ही नहीं, हमारे पीएम हर जगह हर मोर्चे पर डटे हुए। हमारे पास 2 दर्जन से अधिक श्री अखिलेश यादव को टक्कर देने वाले कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो उन्हें कहीं किसी उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा में आवे भारतीय जनता पार्टी वहां कमल खिला करके साइकिल को पंचर कर देगी। आप लड़ेंगे विधानसभा का? निश्चित तौर से, अगर पार्टी कहेगी तो हम लड़ने के लिए हर समय तैयार हैं। कहां से लड़ेंगे? अब ये तो देखिए पार्टी तय करती है, ये हमारी परिवार पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। पार्टी कहेगी कि सुजी कहां से लड़ना है, या किसी के लिए भी तय करेगी कि इनको यहां से लड़ना है, हम लोग लड़ेंगे और बहुत बड़े अंतर से अपनी सीटें भी जीतेंगे, बाकी सीटें भी जीतेंगे, फिर से 300 पार करेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे, फिर से सुशासन और विकास की जो गंगा है वो बहती रहे। जिक्र कर दिया इत्र कारोबारी के, वहाँ कानपुर में छापेमारी हुई है, उसको आप लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के उस इत्र से जोड़कर उन पर निशाना साध रहे हैं। मैं क्यों निशाना, अगर समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, उनके जिले के निवासी जहाँ से वो सांसद रहे हैं, और अगर वो समाजवादी इत्र बनाते हैं तो सपा के नेता हैं, तो सपा के किन किन नेताओं के पास उत्तर प्रदेश को लूट करके रकम जमा की गई है? इत्र बनाए थे जिसका लॉन्च किया था अखिलेश यादव ने। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार सपा बसपा कांग्रेस का पर्याय है, और उस भ्रष्टाचार के कारण ही आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रदेश की हालत 15 वर्षों में इन लोगों ने बिगाड़ने का काम किया था, वो हमने सुधारने का काम किया है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो डबल इंजन की सरकार का होता है। एक बात मैं पार्टी की ओर से जरा ये इत्र वाले मुद्दे पर, वो कह रही है कि इनके मित्र हैं लेकिन इत्र के आरोप लगाकर झूठे भ्रम फैलाने की कोशिश यूपी चुनाव में कर रही है बीजेपी। देखिए, मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी कहते चोर के दाढ़ी में तिनका, जब भी कोई छापा पड़ेगा, अगर कोई चोरी करेगा, गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो किस दल से जुड़ा है ये देख करके जांच एजेंसियां कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। अगर कार्रवाई किसी के खिलाफ हो, छापे कहीं पर भी पड़े, अगर श्री अखिलेश यादव जी उसका हिस्सा नहीं है तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसके विरोध में बयान देकर के यह साबित कर दिया है उन्होंने कि निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का ऐसे छापों में जो तमाम सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन है। समाजवादी पार्टी की ओर से इत्र को लेकर कहा गया है कि वो उनके मित्र हैं लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वैसे चुनाव आते ही जब ताबड़तोड़ छापेमारी होने लगती है तो फिर सवाल उठेंगे आपकी सरकार पर कि अचानक से इतनी ज्यादा सक्रियता इलेक्शन में क्यों हो जाती है जांच एजेंसी? भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब किसी राज्य के अंदर चुनाव होंगे या देश में चुनाव होंगे और उस समय कोई भ्रष्टाचार करे या कोई किसी प्रकार का अपराध करे, उस समय सारे अपराध क्षमा रहेंगे, उस समय कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो कभी भी होगी, उनका काम ही है कर चोरी करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ने का। अगर यह कहीं लिखा है कि कल कोई किसी की हत्या कर दे और कह दे चुनाव का समय जिसने हत्या किया उसको इस समय गिरफ्तार मत करना, ये तो नहीं है कहीं। जो अपराध करेगा उसको डरना, अगर अपराधी नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? ये इतने ज्यादा पैसे जो सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, आप लोग भी लगातार आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होना था? देखिए, मैं यह मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार चलाई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। वह भ्रष्टाचार की रकम अब निकल करके बाहर आ रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल भ्रष्टाचार को रोका है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को रोका है, और उस भ्रष्टाचार को रोक करके गरीबों के हमने घर बनाए हैं, उनके शौचालय बनाए, गांव की सड़कें बनाई, एक्सप्रेस वे बनाया है, भव्य काशी दिव्य काशी किया है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का विकास किया है, और कल से उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं, फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम करने, कल से 24 घंटे जी पूरे उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश जी, गांव में भी, गांव शहर कुछ भेदभाव, सबका साथ सबका विकास, यही है भाजपा का प्रयास।
ये तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि कल से 2400 घंटे बिजली निश्चित प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो हर जगह चारों तरफ जगमग जगमग उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। आप लोग धर्म को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं, मथुरा का भी आपने जिक्र करके खूब सुर्खियां बटोरी और लगा कि अब अयोध्या के बाद तो भैया मथुरा की ही बारी है, उस पर क्या टेक है? आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब मथुरा आप ही ने एंट्री करवाई है मथुरा के इस चुनाव में। देखिए, इसको जो जैसी जिसकी भावना रहती, मैं तो श्री राम जी का भी भक्त हूँ, मैं बाबा विश्वनाथ जी का भी भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी का भी भक्त हूँ, और क्या चाहते हैं जो विरोधी विपक्षी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हुआ है, अब काशी और मथुरा के बाद, काशी और अयोध्या के बाद अगर मथुरा के विकास की दृष्टि से भी कोई आगे बढ़ता है तो किसको दर्द होता है? मैं जिनको दर्द होता है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो चाहते क्या है? वो नहीं चाहते क्या कि मथुरा का भी विकास हो? वो नहीं चाहते क्या भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी विकास हो? आप तेवर दिखाते हैं ना मथुरा के अयोध्या के अंदाज में। हाँ। अयोध्या में जिस तरह का फैसला आया, फिर हाँ। मस्जिद कहाँ गई, मंदिर कहाँ गई, तो आप लोगों की मथुरा को लेकर एक तेवर नजर आते हैं, और चूंकि मंदिर के ठीक बगल में वहां पर भी मस्जिद है। देखिए, मस्जिद होना यहाँ पर नहीं है, ज्ञानव्यापी मस्जिद बाबा विश्वनाथ धाम में यहाँ पर भी है, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद होते हुए भी बाबा विश्वनाथ जी के धाम का विकास हुआ। वह कोर्ट के जो मामले हैं कोर्ट तय करेगा, लेकिन कोर्ट में जो मामला नहीं तय होना है बाकी विकास हम कर सकते हैं, इससे किसी को दर्द क्यों होता है? अगर मथुरा का विकास हो रहा है, श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विकास हो रहा है, बरसाने का विकास हो रहा है, वृंदावन का विकास हो रहा है, अविरल गंगा या अविरल यमुना जी के लिए भी प्रयास हो रहा है, तो दर्द क्यों किसी को होता है? विकास तो अयोध्या में भी बहुत हो रहा है, यकीनन चारों तरफ बदली बदली अयोध्या नजर आ रही है, लेकिन अयोध्या जमीन घोटाला मामले की जांच के आदेश आप लोगों की ओर से दिए गए हैं, ये नौबत आखिर क्यों आ गई? पारदर्शिता की कहां कमी रह गई? जब विपक्ष ने आरोप लगाए तब जाकर सरकार वहां पर जमीन का जो आवंटन हुआ है उसके जांच के आदेश देती है। कोई आवंटन नहीं, खरीद और बिक्री हुई है, और खरीद और बिक्री के कारण से जो भी जांच के आदेश दिए गए इसका भी वेलकम करना चाहिए विपक्ष को। हम तो अगर गलत है जो वह जांच से बचता है, हम तो गलत अगर है तो गलत बाहर आए, सही जो है सही बाहर आए, इसके लिए जांच का आदेश दिया। और जांच का आदेश देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, भविष्य में वहाँ अनंत संभावनाएं हैं विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से। कोई रोजगार की दृष्टि से कुछ कर रहा है हमें कोई विरोध नहीं, कोई अगर गड़बड़ करने की दृष्टि से गड़बड़ किया है तो जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। कहीं गड़बड़ हुआ था तभी तो जांच के आदेश देने पड़े, जांच की मांग की गई। हाँ। जांच की शिकायत, वहाँ की शिकायतें, उसकी जांच के आदेश दिए गए। प्रियंका गांधी ने मांग की थी, उसके बाद आप लोगों ने निर्णय लिया। प्रियंका जी अपने पहले पति देव की जांच करवाएं, अयोध्या की जांच कराने की चिंता ना करें, अगर कोई शिकायत आई है तो जांच कर रहे हैं, जांच की प्रतीक्षा करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उनके पतिदेव की जांच फिर आप लोग क्यों नहीं करवा लेते? नहीं, जो जांच हो रही है हम ये कहें कि अब इस समय हम जा करके जांच कराएं। हाँ। जो जांच एजेंसियां, जांच एजेंसियों को जांच करने का काम है, वो जब जहां जिसके लिए जो उचित समझेंगे वो करेंगी, सरकार की ओर से किसी जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अब मैं आ जाती हूँ असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ओर से एक बयान दिया गया है जो जमकर वायरल हो रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि योगी तो मठ चले जाएंगे, मोदी तो पहाड़ चले जाएंगे, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा ये ध्यान में रखना, और फिर मुस्लिम आबादी को आप उकसाने की बात कह लीजिए या वो उनके बड़े नेता होने का दावा करते हैं तो उन सबको इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी किस तरह की बातों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उनके भाषण सदा से भड़काऊ रहे हैं लेकिन उनका कोई असर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको यह ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश की दृष्टि से, देश की दृष्टि से सबसे अच्छी पार्टी है, हमारी सरकार सबसे अच्छा काम करती है, बिना भेदभाव के काम करती है। कोई योजना हो जो गरीब कल्याण की है, गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी योजनाओं का लाभ हमने सबको देने का काम किया है। इस तरह की बातें करके, इस प्रकार के बयान दे करके उत्तर प्रदेश को अगर कोई सोचता है कि दंगा प्रदेश बनाएगा, उत्तर प्रदेश को समझता है कि कोई ऐसा वहां स्वरूप खड़ा कर लेगा जो स्वरूप यहां खड़ा होना संभव नहीं है, तो मैं निश्चित तौर से MIM के मुखिया को कहूंगा कि हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में अपनी जुबान को लगाम दे करके वही बात बोले जो बोलना चाहिए। इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। आप लोग इंतजार में रहते हैं कि ध्रुवीकरण होगा तो भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले। हमारे लिए इंतजार नहीं है, बल्ले बल्ले उसकी होती है जो उनके भरोसे होता है। हम तो 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है,
बंटवारे में भी हमारा है, हम 60 में जो है उसमें कौन कौन है हम उसकी गिनती क्या बताएं, सबका वोट हमें मिल रहा है, हमने सबके लिए काम किया है, इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है, इसीलिए विरोधी दल के लोग घबराए हुए, इसीलिए अखिलेश यादव जी घबराए हुए कि उनके गुंडे अपराधी माफिया भी उनके काम नहीं आ रहे, उनकी तुष्टिकरण की घटिया राजनीति काम नहीं आ रही, उनकी जालीदार टोपी तो काम नहीं आई, अब लाल टोपी काम नहीं आ रही। आप भी तो जालीदार टोपी बोल ही रहे हैं ना, जालीदार टोपी लाल टोपी बोलकर आप भी तो निशाना ही साध रहे हैं। निशाना जालीदार टोपी में क्या दिक्कत है? मैं जालीदार या लाल टोपी के अंदर समाजवादी पार्टी माने अपराधियों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, और उसके साथ जो इर्द गिर्द चाहे वो सपा हो के साथ बसपा हो कांग्रेस हो, ये सब उसी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और यह जब मैं कहता हूं कि जालीदार या लाल टोपी के अंदर छिपे हुए जो गुंडे अपराधी हैं, मैं संपूर्ण समुदाय की बात नहीं करता हूं, जो अपराध करते हैं और लाल टोपी लगा के सोचते बच जाएंगे, जालीदार टोपी लगा करके बच जाएंगे, तो अब वह युग समाप्त हो गया है, अब ऐसा युग आ गया है कि अपराध जो भी करेगा सजा उसे जरूर मिलेगी। ठीक है, अपराध जो भी करेगा बुलडोजर चल जाएगा और बुलडोजर वाली सरकार के तौर पर आप जाने भी जाते हैं, हालांकि विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि टेनी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। देखिए वह जो मामला मैंने कहा जांच के अधीन है, कोर्ट के अधीन है, अब उस मामले में किसी भी सरकार के व्यक्ति को कुछ बोलना उचित नहीं, जांच एजेंसी जांच कर रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में जांच हो रही है, और जांच के जो परिणाम आएंगे उस जांच के परिणाम के बाद जो कार्रवाई होती है वो होगी, लेकिन अगर उसके पहले कोई सवाल करता है, संसद का समय बर्बाद करता है, बेफजूल के मुद्दे जो उठाता है, उनके पास निश्चित तौर से कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। डॉक्टर संजय निषाद इसी मंच पर थे, उनकी ओर से निषादों के आरक्षण की मांग बार बार की जा रही है, आप लोगों ने चिट्ठी तो लिख दी है लेकिन आरक्षण मिलेगा कब ये बड़ा सवाल है। राजभर इसी मंच से बोल करके गए हैं कि ये सरकार खाली छल करती है, निषादों को ठगने का काम किया जा रहा है आपकी सरकार की ओर से। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने देश के 130 करोड़ और प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को ठग तो सकती नहीं है, लेकिन किसी को ठगने नहीं दे सकती है। वो निषाद समुदाय पूरा राम भक्त समुदाय है, राष्ट्रभक्त समुदाय है, वो सदा सर्वदा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसका जो अधिकार है उसे मिले, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो सब चुनावी आरोप हैं। हमने जितना उत्थान की दृष्टि से काम किया और जितना ज्यादा समर्थन निषाद समाज हो या अन्य समाज हो उसने जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी का दिया है, ना हम उनके ऋण से उऋण हो सकते हैं और ना हम अपनी जो सेवा दिए हैं उसके बाद हमारी सेवा उनके प्रति समाप्त हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर कह के गए हैं कि जितने भी थाने होते हैं उनमें निचली जातियों के किसी भी थानेदार की ना नियुक्ति होती है, ना बड़े बड़े पदों पर लोग रखे जाते हैं, वो एक सांस में तमाम जातियां गिना कर गए हैं इसी मंच से। ठीक है, वह जाति की क्या बात की है, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी सरकार में चाहे जाति बिरादरी के आधार पर नहीं प्रतिभा के आधार पर सबको अधिकार दिया जाता है, सबको सम्मान दिया जाता है। छोटी छोटी जातियों को एकजुट करके अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों को अब तो उनके चाचा भी साथ में आ गए हैं, तो मुश्किलें बढ़ाएंगे। शिवपाल यादव जी भी अब पुरजोर तरीके से, चाचा 2017 में भी साथ थे, 2014 में भी साथ थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई मुश्किलें बढ़ा पाए क्या? ये चाहे जिनको साथ ले ले ये भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल नहीं बढ़ा सकते हैं। ये 2017 का अपना आंकड़ा दोहरा लेंगे या बड़ी बात होगी। जहां तक श्री अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं छोटी छोटी जातियों की, मैं कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के और विशेष सामान्य वर्ग के सबके सबसे बड़े शत्रु के रूप में उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। अगर इनके अंदर पिछड़ों के प्रति कोई सम्मान था तो जब समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली इनके पास बहुमत था तो किसी पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को क्या डिप्टी सीएम भी इन्होंने बनाया था क्या? कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी इन्होंने दिया था क्या? ये सब परिवार के अंदर बांट करके तुष्टिकरण की राजनीति के अंदर सब कुछ बंटवारा करके और उत्तर प्रदेश में शासन किया था। आज वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे। जनता इतनी नादान नहीं है, ना समझ नहीं है, उनके बारे में खूब समझते हैं। समाजवादी पार्टी आने का मतलब गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी का आने का मतलब है जमीनों पर कब्जा, समाजवादी पार्टी का आने का मतलब है भर्तियों में भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी के आने का मतलब है बिजली गायब, समाजवादी पार्टी का आने का मतलब है जो घर से गया शाम को वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा पता नहीं, समाजवादी पार्टी का मतलब है कि अगर इनकी सरकार आ गई किसी बहन बेटी के साथ कोई घटना घट जाए, अगर उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिता माता कोई उसका विरोध करे तो उसको मौत के घाट उतार देने का काम इनकी सरकार में किया गया, और उस हत्यारे को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसको छुड़वाने का काम इनके चचा मियां आजम खान जो आज जेल में है उन्होंने उनको छुड़वाने का काम किया। इसके कारण से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और उस दंगे के अपराधी केवल आजम खान है,
जिन्होंने अपराध किया वो हैं, श्री अखिलेश यादव जी भी अपराधी हैं। कार्रवाई फिर क्यों नहीं की जाती? जांच हो रही है, जो जांच पे दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, जो जांच में दोषी होगा कार्रवाई होगी। आपने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि पिछड़े को डिप्टी सीएम बनाने का काम तो बीजेपी ने ही किया है, जबकि उनकी पार्टी परिवारवाद की पार्टी पिछड़े है। को तो देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे मोदी जी को आप। लेकिन हम पिछड़े अगड़े और दलित के बीच में भेदभाव नहीं करते, हम तो त्रिवेणी की बात करते हैं, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, यही त्रिवेणी में डुबकी लगाने से राष्ट्र का भी उत्थान होता है, राष्ट्र का भी कल्याण होता है, राष्ट्र का भी विकास होता है और राज्य का भी होता है। त्रिवेणी की बात तो सही है, लेकिन जब मंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है तो बताया जाता है ना कि इतने हमारे अगड़े, इतने पिछड़े, इतने दलित जाति से, सबकी आवाज को आगे लेकर, तो उसका जिक्र तो बार बार होता है। पिछड़े नेता के तौर पर भी बार बार बीजेपी की सारी पिछड़ी जातियां आपके साथ खड़ी हैं, पीछे खड़ी हैं केशव प्रसाद मौर्य के, तो पिछड़े लोग ऐसा तो नहीं कि खिसक के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी? खिसक के नहीं जा रहा, वो जो थोड़ी बहुत गलती से 2014, 2017, 2019 में उनके साथ चले गए थे, वो सब हमारे साथ फिर आ रहे हैं, क्योंकि उनका चरित्र जानते हैं, उनका चिंतन जानते हैं, उनकी सोच जानते हैं। सत्ता में रह करके सुख भोगो, लूटो, या उनका लक्ष्य वही लूट की रकम बाहर निकल करके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहो चाहे विपक्ष में रहो, सेवा, केवल सेवा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए आवाज उठाना। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, अगर उनसे वसूली नहीं की गई होती तो मेरे गरीबों के घर नहीं बने होते, गांव की सड़कें नहीं बनी होती। आज जो गरीब उत्थान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पे 2,00,000 करोड़ रुपए जमा हुए, ये तो 15% कहते थे हम जिनको देना है उनके पास पहुंचता है। अगर इनकी सरकार होती 30,000 करोड़ किसानों को पहुंचता, 1,70,000 करोड़ कांग्रेस सपा बसपा के लोग खा गए होते, हमने उस पर रोक लगा दी। दुखी है बेचारे, इसलिए दुखी है कि हमने 1,70,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने जो है, जो हमारे जेब में आना था, हमारी तिजोरी में आना था, मोदी जी ने रोक दिया। दुख से घबराए हैं, उनको दर्द होता है कि सफाई कर्मचारियों के चरण मोदी जी क्यों धोते हैं, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाने वाले मजदूरों की पूजा क्यों करते हैं। तो यह दर्द उनका है, रहना चाहिए, क्योंकि उनकी नियत में खोट है, वो कभी ईमानदारी से देश की सेवा नहीं करते। जब कोई आम आदमी या बिल्कुल इसी तरह का व्यक्ति सामान्य भड़काऊ बयानबाजी करता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। जब बड़े बड़े नेता इस तरह का भड़काऊ बयान, जैसे ओवैसी की ही बात को अगर हम ले लें, तो फिर उनको अलग क्यों रखा जाता है? कानून अपना काम कर रहा है, जो अगर ऐसी भाषा का ऐसे प्रयोग किया है उन्होंने जो समाज में विद्वेष फैलाने वाला होगा, तो कार्रवाई से ना ओवैसी बच सकते हैं, ना अखिलेश बच सकते हैं, ना कोई और नेता बच सकता है। जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी, अगर जो आप बता रही, मैंने अभी सुना नहीं उस भाषण को, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी भाषा बोली है जिससे समाज में द्वेष पैदा हो सकता है, शांति भंग की आशंका हो सकती है, तो जो आशंका होगी जिसके खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मैं आ जाती हूँ समाजवादी पार्टी का, आप इतनी बार जिक्र कर रहे हैं बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी। क्या उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 4 पार्टियों की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब क्या सिर्फ बीजेपी और सपा में ही लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव हैं? देखिए, अभी चूंकि पिछली बार ये सत्ता में थे 2017 तक, और सत्ता में होने के कारण उनका नाम लिया जा रहा है। किस वैसे मैं ये मानता हूं कि विपक्ष का कोई दल पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन मायावती जी कुछ सीटों पे निश्चित तौर से सपा भी लड़ती है, कुछ सीटों पे बसपा लड़ती है, कुछ सीटों पे कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दल लड़ते हैं। लेकिन यह मैं मानता हूं कि ये सब मिल करके भी शतक नहीं बना पाएंगे। 3 शतक से ऊपर नंबर जो हमारा था उसी को हम फिर से दोहराएंगे, और फिर से ये विपक्ष में बैठ करके अगर इनका चरित्र विपक्ष के लायक रहेगा तो जनता विचार करेगी। यद्यपि अभी 2022 में तो सोचे ही नहीं अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, 27 में भी अगर ये कहीं आसपास पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मायावती जी, मैं कह रहा हूं ना, सपा हो बसपा हो, ये कुछ सीटों पर जैसे 50 सीट पे सपा जा रही है, मायावती जी उतनी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही हैं, और अगर वो सक्रिय नहीं होती हैं बीजेपी के खिलाफ तो इसका फायदा कहीं ऐसा ना हो अखिलेश यादव को पूरा विपक्षी वोट ट्रांसफर हो जाए। आप चिंता मत करिए, आपसे हम जब मिलेंगे 2022 के चुनाव के परिणाम आएंगे तो ये सारे श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका मैडम हो, और चाहे मायावती जी हो, चाहे अन्य जो नेता जिनका आप नाम ले रही हैं, ये सब कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ कर दिया। ईवीएम के चुनाव होते हैं बंगाल के अंदर, अगर ममता दीदी वहां जीत जाएं तो ईवीएम सही, 2012 का विधानसभा चुनाव हो और अखिलेश यादव जी जीत जाएं तो ईवीएम सही, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है, ये आरोप लगाने की सब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है। अब मैं आ जाती हूं अपने आखिरी सवाल पर, महिला वोट बैंक, बीजेपी को लगातार 2014 से शानदार तरीके से महिलाएं वोट करती रही हैं,
लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं की रैली की थी, जो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, उसको लेकर प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया कि चूंकि महिलाओं की बात सिर्फ कांग्रेस कर रही है, इसीलिए पीएम को झुकना पड़ा है और समय के साथ देखते जाइए आगे आगे महिला मुद्दे पर होता है क्या, उसका पूरा श्रेय वो ले रही है। देखिए, मैं यह मानता हूँ कि प्रियंका जी थोड़ा मेहनत करें, एक दो सीटें जीत जाएं। 7 सीटें उनकी हैं इस समय विधानसभा में, कांग्रेस से चुनी हुई, उसमें से आधे ज्यादा कोई भाजपा में आ गया है, कोई और कहीं चला गया है। वह 7 की संख्या अगर दोहरा लेंगी, अपने भाई के चुनाव की बागडोर संभाली हुई थी, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राहुल गांधी जी, वो चुनाव नहीं जीता पाई, वहां से दीदी स्मृति ईरानी जी जीत करके गई, भारत सरकार की मंत्री हैं। ये सब धोखेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग हैं, इनकी बात को उत्तर प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। मातृवंदना, माता की शक्ति, बेटियों की, बहनों की शक्ति बढ़े, मेरे प्रधानमंत्री जी जिस दिन शपथ लिए उस दिन उन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ इस संकल्प के साथ आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बेटियां हर क्षेत्र में छलांग लगा रही हैं। हमें गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं भी था कार्यक्रम में, लाखों की संख्या में बहनें आई थी, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है और उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनका स्वावलंबन, ये हमारी सरकार का प्रयास है, उसका परिणाम। चलते चलते ये बताकर जाइए, मुलायम सिंह यादव जी के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी की तस्वीर, उसको लेकर बीजेपी इतना खुश क्यों हो रही थी? तस्वीर बोलती है, क्या बोल रही थी वो तस्वीर? देखिए, हम किसी की तस्वीर देख करके खुश नहीं होते। और श्री मुलायम सिंह यादव जी बुजुर्ग है, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ पूज्य सरसंघचालक जी भी थे, उनके बगल की कुर्सी में बैठे थे, तो ये सामान्य ढंग से तमाम स्थान ऐसे होते हैं। अब श्री मुलायम सिंह यादव जी बीमार थे, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको हालचाल लेने के लिए चले गए, अब श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी और पुत्री उनको कोरोना हो गया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका हालचाल जाना, हमने भी ट्वीट करके उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फोटो तो बीजेपी यूपी ही ट्वीट कर रही है ना कि तस्वीर बोलती है, तो तस्वीर क्या बोलती है समझ में नहीं आया ना, क्या बोल रही थी तस्वीर? मैं स्पष्ट, श्री मुलायम सिंह यादव जी को लग रहा होगा जैसे 2019 के चुनाव में आने से पहले लग रहा था कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हों, तो उन्होंने संसद में बोला था और वह बोले उसके बाद और देश की जनता ने समर्थन दिया, फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो कोई तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्रभावित करती, हमें तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की तस्वीर प्रभावित करती। यूपी की तस्वीर एक बार फिर से बदलेगी बीजेपी के लिए, बनेगी सरकार निश्चित तौर से, 300 पार और 2022 नहीं 27 और 27 के बाद के भी 31 के लिए मैं बता दूं आपको, अभी जब चुनाव आएंगे अभी कहीं आसपास कितने सालों का प्लेग, ये तो बड़ा मतलब आप सीधे बोल दीजिए, मैं 25 वर्ष अगले 25 वर्ष अगले 25 वर्ष में अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सपा बसपा कांग्रेस और सारे दल मिल जाएं, तब भी कमल का फूल जो खिला है उसे नहीं वो सत्ता से हटा सकते, ये माने, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है, उसका परिणाम हमको मिलेगा। चलिए, जिस परिणाम की बात यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की ओर से की जा रही है, वो परिणाम क्या बीजेपी के पक्ष में आता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन एक बार फिर से दमदार तरीके से अब की बार 300 पार का नारा वो इस मंच से लगा रहे हैं, इसी क्रूज से जहाँ पर पीएम के साथ 13 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों की उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी और वहां पर बीजेपी कैसे आगे बढ़े उत्तर प्रदेश में और बाकी हिस्सों में, इसको लेकर मंथन भी चला था। आगे क्या होता है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।